जहाँ तक बिजली कर्मचारियों का प्रश्न है, बिजली कर्मचारी जूनियर इंजीनियर और इंजीनियर माननीय मुख्यमंत्री जी के जो लक्ष्य हैं उनका विश्वास की जो उनका रोडमैप है, जो उनका दृष्टिकोण है, हम लोग उस पर आधारित कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार का प्रबंधन है उसके कारण तैयार है। हम लोगों ने माननीय ऊर्जा मंत्री जी को और माननीय अवधेश कुमार अवस्थी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में सलाहकार हैं, उनको सारी बातें बताई हैं और यह हमें आश्वस्त किया गया है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुरोध और कॉर्पोरेशन में और अन्य ऊर्जा निगम चेयरमैन और एमडी के पदों पर जो चयन होकर नियुक्त होनी चाहिए उसकी प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। बाकी अन्य समस्याओं पर लिखित समझौता हो रहा है, एक एक बिंदु पर, 15 बिंदुओं पर। इसके मद्देनजर, इसके दृष्टिगत हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का कार्य बहिष्कार आंदोलन जो प्रथम चरण में था, जिसमें हमने बहुत एग्जेम्पशन कर रखे थे जिससे हम लोग ना हो, उसको हम लोग फिलहाल 15 दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो लिखित समझौता हो रहा है और जो हमें आश्वासन दिया गया है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुरूप चेयरमैन और एमडी के पदों का शीघ्र चयन किया जाएगा वह पूरा होगा। माननीय ऊर्जा मंत्री जी के प्रति उनका परिवार है पूरा, यह हम लोग पूरा विश्वास व्यक्त करते हैं और बिजली कर्मचारी अपने काम पर वापस लौटते हैं। मैं इस अवसर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें बहुत उत्साह दिलाया कर्मचारियों के प्रति के साथ बात करने का, संवाद करने का उन्होंने भी मन बताया और उसके अनुरूप हमने कई राउंड बातचीत किया, उसका आज सुखद परिणाम निकला है। हम सभी कर्मचारी संगठनों को, विद्युत कर्मचारी के सभी जो घटक हैं, संगठन संघर्ष समिति के उन सभी नेतागण को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फोटो।